विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दिनेश त्रिवेदी यूपीए गठबंधन में रेल मंत्री रहे थे। रेल किराया बढ़ाने की वजह से ममता बनर्जी ने उन्हें रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि उनके राज्य में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, संसद में वह इस बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और इसलिए राज्यसभा की सदस्यता से आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा देने के बाद ही अपनी पार्टी टीएमसी का धन्यवाद किया, उन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि उनके राज्य में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और वह यहां बैठकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें खुद सदन में घुटन महसूस हो रही है। त्रिवेदी ने कहा कि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि वह जब यहां रहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के उस कथन को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर वह कुछ नहीं बोल पाएंगे तो उनका यहाँ रहना बेकार है, इसलिए वह राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी टीएमसी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में टीएमसी सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब उन्हें एक लंबे चिंतन के बाद निर्णय लेना होता है, जब बहुत हिंसा और भ्रष्टाचार होता है। मैंने हमेशा हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आज मैं जो कर रहा हूँ वह नया नहीं है या जो कह रहा हूँ वह नया नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।